नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकेटेक जोन। वीकेटेक जोन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट्सएप के न्यू फीचर के बारे में। व्हाट्सएप ने नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, मीडिया विजिबिलिटी, और मैं आज आपको इस वीडियो में उस फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। ये फीचर है अभी जो व्हाट्सएप के बीटा वर्जन है इसमें ही अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, और कुछ समय बाद ये ऑप्शन जो है ये सबके लिए इनेबल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि फीचर क्या है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसे क्या बेनिफिट है। तो इसके लिए मैं मेरा यहाँ पे व्हाट्सअप अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सअप अकाउंट को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे मेरे किसी भी एक चैट को खोल लेता हूँ। मैंने चैट को ओपन कर ली, और चैट को ओपन करने के बाद जो हमारे जो ऑप्शन होते हैं नाम पे टैप करके, इस ऑप्शन को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है नीचे, मीडिया विजिबिलिटी। जो ये ऑप्शन है ये अभी शायद आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है अभी बीटा वर्जन की गई है। तो कुछ समय बाद ये ऑप्शन आप लोगों के लिए भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसको क्लिक करते ही, टैप करते ही एक ऑप्शन आ गया है, डू यू वांट टू शो न्यूली डाउनलोड मीडिया फ्रॉम दिस चैट इन योर फोन गैलरी। जो यस का ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट है, और जो यहाँ पर ऑप्शन है यस और नो का। तो पहले मैं इसको बाय डिफॉल्ट यूज़ करके बताऊंगा, और बाद में मैं इसको नो करके आपको यूज़ करके बताऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए मैं इसको कैंसिल करके अब मैं इस नंबर पे, मेरे इसी नंबर पे दूसरे नंबर से एक इमेज को भेज के सेंड करके आपको बता देता हूँ, और बाद में मैं इसको नो करके दिखाऊंगा कि इसका क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो मेरे दूसरे नंबर से मैं इस नंबर पे एक इमेज को सेंड कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इमेज आ चुकी है जो मैंने मेरे ही नंबर से दूसरे नंबर सेंड की है। अब मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद जो ये इमेज है, जो बाय डिफ़ॉल्ट से ये जो इमेज है हमको हमारी गैलरी के अंदर शो होगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज। देखिए ये जो इमेज है ये हमारी गैलरी में शो हो रही है। पर अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये जो इमेज हो या ऐसा कोई वीडियो है जो आपकी गैलरी में शो हो, या ओपनली कोई इसको देख सके जो आपके प्राइवेट है, तो इसको आप नो भी कर सकते हैं। तो मीडिया विजिबिलिटी पे आप नो करके इसको ओके कर दीजिए। अब जो इस चैट में जो आपकी जो वीडियोस या इमेजेस आएंगी वो आपकी जो गैलरी है उसमें शो नहीं होंगे, ये प्राइवेट फोल्डर में जाके सेव हो जाएंगे। तो अब मैं दूसरे नंबर से वापस से इसमें एक इमेज भेज देता हूँ, और फिर आपको डाउनलोड करके बताता हूँ कि जो इमेज है वो यहाँ पे गैलरी में शो होती है कि नहीं होती है। ये देखिए मैं इमेज सेंड कर लिया, अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब डाउनलोड करने के बाद मैं आपको वापस गैलरी के अंदर जाके बताऊँगा कि ये वहाँ पर सेव हुई है कि नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि गैलरी के अंदर जो इमेज थी ये सेव नहीं हुई है। अगर मीडिया विजिबिलिटी आप नो करेंगे, जो वीडियो तो इमेजेस हैं जो डाउनलोड होंगे वो आपके गैलरी के अंदर शो नहीं होंगे, ये एक सेपरेट फोल्डर है व्हाट्सएप के अंदर प्राइवेट नाम से, उसके अंदर जाके सेव होंगे। देखिए अब आप अगर चाहते हैं, ये देखिए आप किसी भी, आप चाहे ग्रुप में भी कर सकते हैं, ये ग्रुप में और इंडिविजुअल चैट में कहीं पर भी आप, ये दोनों ऑप्शन हैं ये मीडिया विजिबिलिटी के, आप यस या नो कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट है वो यस है। और अगर आप सारी चैट्स के जितने भी व्हाट्सएप के जितने भी हैं सबको ही अगर आप नो करना चाहते हैं, जो मीडिया विजिबिलिटी है वो नो हो रहा है, वो मीडिया जो है आपकी गैलरी में शो ना हो, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। आप सेटिंग में जाके, चैट में जाके, नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको शो मीडिया इन गैलरी, इस पर जो टिक लगा हुआ था उस टिक को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, अनचेक कर दीजिए। तो अनचेक करने के बाद क्या होगा कि आप जो भी टोटल आपके व्हाट्सएप में जिस भी किसी भी ग्रुप से, किसी भी चैट से, किसी भी व्यक्ति से आपको मैसेज आएगा ना, तो वो इमेज और वीडियो आपकी गैलरी में शो नहीं होंगी। तो ये था व्हाट्सअप का न्यू फीचर मीडिया विजिबिलिटी। और अगर इस वीडियो, सपोज कीजिए आपने इस वीडियो को, अगर आपने मीडिया विजिबिलिटी को आपने नो कर रखा है और वो वीडियो इमेज आपके इसमें डाउनलोड हो चुकी हो, आपको चाहिए, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको व्हाट्सअप नाम से फोल्डर है उसको ओपन करना पड़ेगा, उस पर मीडिया नाम का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इस पर WhatsApp images में जाके यहाँ पे प्राइवेट नाम से एक फोल्डर है, इस प्राइवेट नाम के फोल्डर में आपकी जो ये इमेजेस हैं ये सब सेव हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और Vktech जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे और भी वीडियो और भी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।